हेलो दोस्तों, स्वागत है सर पोकेमोन के एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम खेलने वाले पोकेमोन मून ब्लैक 2 और आज हम लड़ने वाले इलाइट फोर से। आज हम लड़ेंगे इलाइट फोर से और बाद में लड़ेंगे अगले लास्ट एपिसोड में लड़ेंगे चैम्पियन से। तो पहले अपने पोकेमोन की हालत देख लेता हूँ और फिर यहाँ से शुरू करूँगा मैं। तो ओके, पहले फुल स्टोरेज कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो आई थिंक ये क्या टाइप है मुझे नहीं पता, लेकिन तो मैं आगे रख लेता हूँ सिल्वर लाए को। तो मुझे नहीं पता इन लोगों के लेवल कितने होंगे, तो देखते हैं क्या होता है, कितने लेवल है। ओके, तो चलो। हमें दिखने में तो लग रहा है घोस्ट टाइप है मेरे हिसाब से, दिखने में से लग रहा है। ओके, आई थिंक घोस्ट या साइकिक टाइप होगा मेरे हिसाब से, लगता है घोस्ट टाइप होगा ये लड़की, मुझे पता है। ओके, बात कर लेते। देयर इज अ वन मैन हु वंडर्स द वर्ल्ड विद अ ब्लैक ड्रैगन पोकेमोन टू प्योर एडल। ओके, द पैंडोबल ब्ला। ओके, तो चलो बैटल कर लेते। इसके लेवल कितने नहीं, मुझे लगता है 80 तो होंगे, 6 पोकेमोन है। ओके, बेनेटे। ओके, 72 है, मुझे लगा 80 होंगे, फिर भी चलेगा। सो ये घोस्ट टाइप है तो मैं सीधा यूज कर लेगा एरियल एज, मेरे हिसाब से क्रिटिकल लग गया है। फ्लाइंग टाइप नहीं है। ओके, अबे पॉइजन कर दिया मैं इसने। सो सीधा मैं, ओके अब एवरीथिंग। ओके, मैं सीधा यूज करने वाला हूँ अब थंडरबोल्ट। ओके, क्रिट होने वाला है, एक थंडरबोल्ट अभी नहीं जाएगा। गंग शॉट। ओके, गंग शॉट फिर से गंग शॉट। ओके, तो फिर से गंग शॉट। ओके, तो एक और बार थंडरबोल्ट। आई थिंक ये और यूज करेगा। ओके, फिर से गंग शॉट। ओके, अबे यार ये तो मेरे को मरवाएगा। तो ओके, तो मैं सीधा यूज करने वाला फुल स्टॉप, और वो भी यूज करेगा मुझे जरूर पता है। तो मैं सीधा यूज करूँगा फुल स्टॉप। तो उसने यूज नहीं किया, आई थिंक यूज करेगा। ओके, उसने फुल स्टॉप यूज किया। ओके, तो आइस बीम यूज कर लेता हूँ मैं, कुछ डैमेज करेगा क्या। ओके, फिर से गंग शॉट में ये मुझे मरवाएगा गंग शॉट से। पॉइजन मत हो प्लीज, पॉइजन मत हो। ओके, पॉइजन नहीं हुआ इस बार। तो एक और थंडर बोल। ओके, स्टिल डू नॉट, एक एरियल से जाना चाहिए। ओके, प्लीज पॉइजन मत हो। ओके, नहीं हुआ। काफ़ी लंबा बैटल होने वाला है, ड्राइंग से जाना चाहिए ब्लेड पे। ओके, गया, एक पोकेमोन गया इसका, और दूसरा है क्या है, लेफ्ट फोर सेल, यानी कि आइस और घोस्ट। तो मैं ये निकालने वाला हूँ टाइफ्लोजन को। तो टाइफ्लोजन संभाल लेगा मेरे हिसाब से। ओके, ब्लेड किक जाना चाहिए, आइस टाइप भी है। ओके, क्रिट हो गया, क्रिट। ओके, क्रिट लग गया, लेफ्ट ओवर है उसके पास भी। अब शैडो बॉल यूज किया है, तो वाइल्ड चार्ज। तो इसके पास सुपर फुल स्टोर खत्म हो गया, मुझे पता चल गया। ओके, अब है पारो से आने, यानी मैं निकालने वाला हूँ ग्रीन निंजा को। तो ये ग्राउंड और घोस्ट है मुझे पता है। ओ जस्ट आई थॉट, तो हाइड्रो पंप प्लीज। अबे लग जाना, अबे लग गया। और जाना तो चाहिए, हाल गया वन इट क्यों। ओके, और है मिनी क्यू। ओके, मेटाग्रोस को निकाल लेता हूँ, कुछ डैमेज कर देगा। तो ओके, थंडर पंच डू इट, कुछ तो डैमेज करेगा। ओके, क्रिटिकल लग गया बे। ओके, ये देली देली ये मुझे नहीं पता। ओके, ये पोकेमोन
एक और थंडर पंच, वाटर घोस्ट टाइप थंड, ओके नहीं हुआ कुछ ज़्यादा डैमेज, शैडो बॉल में तो मेरा गाड़ी पर सामान ले गए, सामान लेता था यार इसे शैडो बॉल फिर से, तो प्लीज़ फेंट मत होगा। तो इससे अच्छा तो मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा, तो निकालने वाला हूँ अपने गाड़ी वर्ग निकाल लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता डैमेज वो क्रिटिकल तो नहीं लगेगा, वन हिट केओ तो नहीं होगा, मुझे पता वन हिट केओ तो नहीं होगा। ओके ज़्यादा डैमेज भी नहीं किया, डैमेज तो दिया लेकिन ज़्यादा नहीं, मून ब्लास्ट सुन ली ना, सुन डू इट आई थिंक। ओके तो हमने हरा दिया अपना, ओके आखिरी है इसके पास एक और टापू फीनी, ओके टापू फीनी आर यू गॉट बी किडिंग मी, यू आर गॉट बी किडिंग मी यार, यू आर गॉट बी किडिंग मी, तो यू नो हाँ तो हमने हरा दिया, तो हमने पहला जिम लीडर को तो हरा दिया, इलाइट फोर को तो हरा दिया, प्लीज़ हील कर दे, प्लीज़ हील कर दे आंटी। ओके तो हम बाहर तो इधर से जा सकते हैं, तो मैं हील करना पड़ेगा मुझे अपने आप को, ओके तो हील कर लेता हूँ। You are got to be kidding me, bro. और आई थिंक एक था फाइटिंग टाइप है, तो आई थिंक मुझे फ्लाइंग टाइप ठीक है, ओके देख लेता हूँ कौन सा है फाइटिंग टाइप। तो अब मैं इधर नहीं, इधर नहीं, मुझे इस तरफ जाना है, ओके ओके तो मुझे इस तरफ जाना है अब, तो ये देख लेता हूँ कौन सा जिम है। आई थिंक ये है फाइटिंग, नहीं फायर टाइप, ड्रैगन टाइप, ओके ये ड्रैगन टाइप है मेरे हिसाब से, तो मैं आगे रख लेता हूँ। किधर गया, नहीं 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 ड्रैगन टाइप हो तो ये भी चलेगा, इसके पास भी आइस भी में, इसके पास भी आइस टाइप मूव है, तो देख लेता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा टाइप है, एक था फाइटिंग घोस्ट और मेलोयन बिसार्फ, ओके बिसार्फ यानी ये है डार्क, ये भी डार्क टाइप तो नहीं है विश्वास यानी। तो मेरे पास है ड्रैंक ना, और भाई ज़्यादा डैमेज आयरन है, दे लगता है मेरा कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा धीरे इस बार का। हूँ यार एक जिम लीडर को हराने में मुझे लग गया लगभग 6 मिनट से ज़्यादा लग गया होगा थंडरबोल्ट। ओके आयरन है फिर से एक और थंडरबोल्ट, और ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे पोकेमॉन चेंज करना चाहिए इसके बाद। बिसार्फ को तो टाइफ्लोजन संभाल लेगा ना, ओके क्रिट लग गया भाई, तो गया बिसार्फ, बिसार्फ तो चला गया, ओके मुझे वही लेफ्ट ओवर, ओके टापू बुलू यानी ग्रास एंड ग्राउंड थी, ओके तो टाइफ्लोजन, ओके टाइफ्लोजन संभाल लेगा, साइनी मेरा साइनी टाइफ्लोजन संभाल लेगा, तो हुकू को ख़त्म उस कर देना। फ्लेयर ब्लिच मुझे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बुरू, ओके टापू बुलू चला गया, ब्लिच किक से भी जाना चाहिए, ओके ओके ग्राउंड सेंसलेस है, ये ग्राउंड टाइप ही है, तो मैं निकालने वाला हूँ ग्रीन निंजा को, ओके ग्रीन निंजा कम हियर। अबे इसका तो आलोलन फॉर्म है ना, मैं भूल गया था मुझे टाइफ्लोजन में रखना था भाई, ओके आइस टाइप हो गया, देखो मेरा बॉन्ड एवोल्यूशन ऐसा होता है भाई, मुझे आप लोग को दिखाना था बॉन्ड एवोल्यूशन, आइस टाइप हो गया भाई ये भी। ओके हाइड्रोपम देख सकते हो मेरा बॉन्ड एवोल्यूशन ब्रो, ओके क्रिट लग गया भाई, हाँ आइस टाइप बन गया मेरा ड्रीम निंजा, टाइफ्लोजन यही टाइफ्लोजन, ओके तो यही ठीक है। अबे यार आइस टाइप हो गया मुझे पता, हाइड्रोपम प्लीज लग गया, ओके लग गया, तो वन इंच की हो तो जरूर हो गया मुझे पता है, ओके मुझे लगा ही था, आई थिंक मुझे हाइड्रोपम बचा लेना चाहिए था, ओके मेटाग्रोस यानी टाइफ्लोजन का काम है इसमें, टाइफ्लोजन संभाल लेगा इसमें, मुझे कुछ काम है कह रहा है टाइफ्लोजन, आ जा टाइफ्लोजन। और ब्लेज की फ्लेयर ब्लेज तो नहीं करना हमें, फ्लेयर ब्लेज कर लेता हूँ अभी भी 9-12 है, ओके ओके क्रिट लग गया भाई, ये तो काफ़ी आसान था ये जिम लीडर, ओके सॉरी जिम लीडर कह रहा हूँ इलाइट फोर। अभी इसके बाद मुझे मैग्नेट, इसके बाद मुझे एक और रिकॉर्ड करना है भाई,
आर्क मोबाइल का आर्क सर्वर में भी बोल पा, क्योंकि वो मैं दूसरे चैनल में खेलने वाला हूँ अपना, खेल रहा हूँ। तो अभी मैंने एक हफ्ता हो गया शायद ओके, तो हमने बातों बातों मैगनेजन को तो ओके इसी में रह दिया। सो आई थिंक अभी हील तो कर दे प्लीज। सो ओके, तो हमने दूसरे को भी हरा दिया और एक और बार मुझे यूज करना है टाइप लेजन के ऊपर। और तो कौन है अब ये, कौन सा टाइप है मुझे नहीं पता। एक है फाइटिंग टाइप, फाइटिंग टाइप हो जाए तो आसान हो। ओके ये है मेरे हिसाब से आइस टाइप। ओके आइस टाइप वो तो मैं टाइफ्लोजन का आगे रख लेता हूँ ना, आइस टाइप है तो। आइस टाइप तो नहीं है मुझे पता है, फ्लावर यानी ये है आई थिंक ग्रास टाइप। हाँ सही सर, ये साइकिक टाइप है, साइकिक टाइप है मुझे पता है, ये साइकिक टाइप है मुझे जरूर पता है, ये साइकिक टाइप है। रेलिकेट ओके, रेलिकेट में मुझे यार निकाल लेना चाहिए था मेरा। तो वाइल्ड चार्ज तो डैमेज नहीं करने वाला इसे मुझे पता है, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप भी है तो इलेक्ट्रिक टाइप मुफ्त अफेक्ट करने से रहा। तो यान अभी ये तो नहीं चाहिए था मुझे। मून ब्लास्ट शुड डू इट। ओके ओके इसका ओके यान ओके, और मेरा मिस हो गया और मैं यूज करने वाला हूँ अपना। तो मैं यूज करने वाला हूँ बैटल आइटम जिसका नाम है फुल हील। तो मैंने काफ़ी कुछ खरीद लिया था, मेरे पास अभी काफ़ी पैसे पड़ा है। ओके एक और मून ब्लास्ट से जाना तो चाहिए क्योंकि इसका स्टैटिक एबिलिटी ओके इसकी ओके गोलम। तो ये है ग्राउंड टाइप। ओके इसका भी स्टैटिक प्रॉब्लम ओके रेजल्ट। तो गया गोलम भी ओके, गोलम तो आसानी से चला जाएगा मुझे पता था। और रेलिकेट, रेलिकेट को भी मैं आसानी से हरा हूँ रेलिकेट को। तो रेलिकेट भी वन रेजल्ट से तो नहीं जाएगा, सॉरी मैजिकल लिप से तो जाने वाला नहीं है मुझे पता है। ओके हैवी स्लैम ओके हैवी स्लैम, अब इसलिए हैवी स्लैम ओके फ्लेम फेंट हो गया। ओके लाइक एंड रॉक नाइट फॉर्म ओके नाइट फॉर्म ही हो गया इसमें मुझे पता था। आई थिंक मेरा गाड़ी वाल फेंट हो जाएगा फिर भी मुझे तो ज़्यादा, लेकिन काफ़ी अच्छा। ओके ओके लगता है मेरा हाँ चला गया मुझे पता ही था। अभी यार ग्रीन निंजा आ जा, अभी मुझे एक हाइड्रोपम्प तो बचा के रखना है। और लाइकन रॉक तो चला गया नाइट फॉर्म, इसके पास डे फॉर्म था मेरे हिसाब से, टापू ले ले यानी फेरी टाइप। हाँ फेरी टाइप है, तो फेरी टाइप को मैं आइस भी यूज करूँगा, मुझे पता है ज़्यादा डैमेज करने वाला नहीं है। हील ओके, तो ये अपने आप को हील करे ओके, इससे ये मुझे डैमेज करता है। ओके ओके हिडन पावर, ओके हिडन पावर यानी डैमेज ज़्यादा नहीं करेगा आई थिंक। और एक और शॉप से तो जाना चाहिए, आई थिंक हमने इसे भी हरा दिया। ओके मेरा सिर्फ एक पोकेमॉन फ्रेंड ओके आर्बोक, आर्बोक यानी ये ओके मुझे पता ही था। ओके अबे इसका कोई बॉन्ड एवोल्यूशन नहीं है, ओके कोई बात नहीं। ओके तो हमने हरा दिया, मुझे पता ही था ये ओके प्रभु पास ओके प्रभु पास स्टील टाइप। ओके एक और थंडर वेव, ये तो नहीं चाहिए था मुझे यार, ये तो नहीं चाहिए था। एक और ओके एक और से जाना चाहिए सर, से पावर जेल प्लीज मत मर। हाँ नहीं जाए ओके सुपर फिक्स यार, इसने मुझे काफ़ी तकलीफ तो ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी आसान, और पहले वाला जिम काफ़ी थोड़ा अबे जिम नहीं इलाइट फोर काफ़ी खतरनाक लगा, हल्का खतरनाक लगा, लेकिन ये दो तो ज़्यादा नहीं है। उसने
मेरे पोकेमोन को फेंट नहीं किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी तकलीफ दिया था उसने, उसका बेनेटे ने काफ़ी तकलीफ दिया था मुझे। तो उसने एक पोकेमोन फेंट कर दिया, फिर भी काफ़ी आसानी से हार रहा है ये, और ये चला गया। ओलिविया भी हार गई हमसे, ओलिविया ओके, तो ओलिविया भी हार गई ओके। सो आखिरी इलाइट फोर है, आखिरी इलाइट फोर यानी फाइटिंग टाइप मुझे पता चल गया। सो फाइटिंग टाइप है तो मैं सीधा यूज कर लेगा फुल रिस्टोर ओके इसके ऊपर, और मैक्स रिवाइव 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 था, हाँ रिवाइव है मेरे पास अभी रिवाइव, गाड़ी बोर्ड के ऊपर ओके, और ओके फुल रिस्टोर भी गाड़ी वॉर के ऊपर ओके। तो चला मैं, मुझे पोकेमोन चेंज करना है, मुझे पता चल गया आखिरी आखिरी जिम लीडर है फाइटिंग टाइप ओके। तो मैं निकालने वाला हूँ इसे, नेक्स्ट चैलेंज का आगे रखूँगा, क्योंकि वो पहले आदमी ने कहा था कि ये गेट पे खड़ा हुआ आदमी था ना, उसने कहा था कि फाइटिंग टाइप पोकेमोन ओके फाइटिंग टाइप भी है ओके, तो ये फाइटिंग टाइप ही है ना, मुझे तो डाउट हो रहा है फाइटिंग टाइप। हाँ हाँ हाउ हाला हाँ हाला 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 ओके, ये फाइटिंग टाइप ही है मुझे पता चल गया ओके। फाइटिंग टाइप आ गया, तो फाइटिंग टाइप को तो मैं आसानी से हराऊंगा। हरितेयामा आ गया, जापनीज में वही कहता है ना हरितेयामा, यूज बेल्ट ड्रम ओके। हरियामा है नाम, तो मुझे इसमें लिख इंग्लिश में हरियामा कहते हैं, लेकिन जापनीज में कहते हैं हरितेयामा, हरितेयामा ओके। वन इट क्यों आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, होल रैप ओके, फाइटिंग और वाटर टाइप, तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कि हरितेयामा एक ही बार में चला जाएगा, ये भी एक ही बार में चला गया अरे, वन इट क्यों करेगा क्या। मैडिचैम तो इसे भी वन इट क्यों करने वाला हूँ ओके। अबे ये कोरोना वायरस का कितना आता है, तो वन हिट के हो ओके, नहीं भाई ओके, ये पोशन यूज करेगा, तो अभी आइस पंच अभी ये मुझे मरवाएगी ओके। तू पोशन फुल स्टेड यूज करना, मुझे कोई गल नहीं अबे ओके, मुझे लगा अटैक मिस हो गया भाई, प्लीज वन हिट के हो जा ओके, वन हिट के हो ओके। कंक्लेडर ओके, मुझे नहीं पता ये फाइटिंग टाइप है ग्राउंड टाइप भी है मेरे हिसाब से, यार ये वन इक्के नहीं होने वाला, मुझे पता है वन इक्के तो ये होने वाला मैंने ये, अबे ये फाइटिंग टाइप भी है मुझे लगा ग्राउंड टाइप भी है, फिर भी हमने हरा तो दिया इसे, तो ओके टापू कोको होली शिट, तो फ्लेम थ्रोअर वन इट के होने वाला था ना ये मुझे पता है, इसलिए डैजलिंग ग्लेज, तो गया मेरा। सो मैं फेरी टाइप को ही निकालूंगा, फेरी टाइप से फेरी टाइप लड़ाऊंगा, फेरी टाइप का ओ भाई ये इलेक्ट्रिक टाइप भी है, फेरी एंड इलेक्ट्रिक तो ज़्यादा डैमेज नहीं करने वाला ओके, मुझे पता था, लेकिन पैरालाइज तो कर दिया हमने ओके। डैजलिंग ग्लेज यूज किया या क्या यूज किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम यूज करने वाला साइकिक ओके, तो काफ़ी आसान था यार, हमने काफ़ी आसानी से लाइट फोर करा दिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं ओके। डी ओ आर भी है ओके, मुझे नहीं पता था, तो साइकिक नहीं मून ब्लास्ट ये क्रिटिकल नहीं होने वाला मुझे पता है। अबे यार तू ढाला इतने कमज़ोर हो सकता है, मुझे नहीं पता था यार ओके। तो हमने तो मुझे पता है 80 लेवल तक ही होगा जिम फाइट चैम्पियन, तो आसानी से आ रहा होगा ओके। तो हम इधर जाना है क्या अब ओके, अभी नहीं लड़ना मुझे जिम लीडर जो चैम्पियन से, मुझे बाद में लड़ना है चैम्पियन से। सो दोस्त आज के लिए इतना ही करूँगा ओके, हम अगले एपिसोड में लड़ेंगे चैम्पियन से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपसे मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय सायनारा एंड टेक केयर बाय बाय। तो मैंने ये फिर से ये कहा कि मैं लड़ूंगा जिम लीडर्स चैम्पियन से अभी नहीं, मैं सिर्फ अभी अभी ही लड़ूंगा चैम्पियन से, तो लड़ लेता हूँ चलो
अभी सिर्फ 19 मिनट ही हुआ है, तो मुझे ये गेम जल्दी से ख़त्म करना है और दूसरा गेम भी खेलना है मुझे। अभी दूसरे गेम खेलने की मुझे लत लग चुकी है, तो मैं ये मून ब्लैक और हार्ड कोर खेलने की वजह से ये दो ही खेल रहा हूँ, बाकी पोकेमॉन गेम नहीं खेल रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये गेम जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ और सीधा चलूँगा दूसरे गेम में। ओके, दूसरे गेम चलेंगे, तो चलो चल लेते हैं। अबे ये कितना आता है कोरोना यार, तो चलो, तो चैम्पियन तो यही होगा मेरे हिसाब से। तो चलो पहले मैं इलेक्जर यूज कर लेता हूँ, इलेक्जर्स यूज कर लेता हूँ। मैं यूज करूँगा पीपी रिस्टोर, आई थिंक मेरे पास था यार, ईथर है मेरे पास। ओके, टाइप ओके, फ्लेयर ब्रिज नहीं अभी नहीं, मुझे हाइड्रो पंप पे यूज करना है। तो हाइड्रो पंप पीपी रिस्टोर, ओके 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 ओके। तो चलो हम सीधा चले जिम लीडर चैंपियन से भिड़ने, इधर ही है ना, मुझे तो लगता है इधर ही। ओके, एनिमेशन का भाया क्या खतरा मन, क्या दामी, क्या 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 बनाया इन लोगों ने, क्या तारीफ करो इन लोगों की एनिमेशन। हाइट वाई टू और ब्लैक टू का है। ओके, चैंपियन तो इधर। ओके, अबे चैंपियन यानी ये मुझे मरवाएगा। ओके, वेलकम चैलेंजर, एस बी है, एस है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर दिस। ओके, वे आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू बी योर चैंपियन? सम डिडन। ओके, सम सेड देयर वाज 0% चांस ऑफ इट हैपनिंग। ओके, बट आई एम हियर। ओके, हियर आई एम। ओके, तो चलो ओके लड़ लेते हैं बैटल। नो डाउट, आई रियली वर्क फॉरवर्ड टू हैविंग अ सीरियस बैटल विथ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स। आई मीन कम ऑन, द ट्रेनर हु मेक इट हियर आर ट्रेनर हु डिजायर ओके विक्ट्री विथ एवरी फाइबर ऑफ देयर बीइंग। ओके डोकी एंड दे आर बैटलिंग अलोंग साइड। ओके, पोकेमॉन दैट हैव बीन थ्रू काउंटलेस डिफिकल्टी बैटल्स। ओके, हमारे पोकेमॉन्स ने काफ़ी डिफिकल्टी यूज किया है, सामना किया है डिफिकल्टी का, तो ये काफ़ी है। ओके, इफ आई बैटल विथ पीपल लाइक दैट, नॉट ओनली विल आई गेट स्ट्रॉन्गर, माई पोकेमॉन विल टू। ओके, ये तो बात मुझे पता है, इच अदर इवन बेटर। ओके, तो चल लेते बैटल कर लेते। ओके, एस वर्सेस पिकाचू, सॉरी एस वर्सेस आशीष, आशीष वर्सेस प्लीज 8900 लेवल ना आप इसका पोकेमॉन। ओके ओके, ज़्यादा नहीं है मुझे, अभी उसने 100 लेवल यूज किया था यार, मुझे लगा अभी 100 लेवल तक तो पहुंच ही जाए। ओके, तो फ्लेम थ्रोअर काफ़ी आसान हो गया बैटल मुझे लगता है। इसका सारे पोकेमॉन्स की टाइप एडवांटेज मेरे पास है इसके लिए। ओके, मुझे लगता है सिर्फ पिकाचू के नहीं है, मुझे पिकाचू के ही नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका भी संभाल लूँगा। वो फिर भी फर्स्ट सेकेंड एवोल्यूशन है, तो फिर भी लिटल वन एस का पिकाचू के कुछ मुकाबला नहीं, लेकिन गेम में तो हम ही ताकतवर है ना। ओके, मेल मेटल। ओके, यानी टाइफ्लोजेंशियल भिड़ने देता हूँ मैं, तो छः पोकेमॉन बैटल है तो हम सारे को भिड़ने देंगे, तो आज हम ये गेम भी ख़त्म करने वाले हैं। होली शिट, ओके फ्लेयर ब्लिच, तो मेरा टाइफ्लोजन फेल्ड हो जाए मुझे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन इसे हराना है प्लीज यार। ओके, ज़्यादा हुआ अर्थक्विक पे, होली हो गया बे 20। ये तो नहीं चाहिए था मुझे, ये तो नहीं सोचा था मैंने, फिर भी इसके पास फुल स्टोर नहीं है ना, मुझे पता है, तो फ्लेम थ्रोअर से गएगा मेल मेटल टीवी। ओके, चला तो गए, तो इसका अरे नागेंडल नेगेंडल मुझे नहीं पता ये पोकेमॉन क्या है, फिर भी अबे नेगेंड ओके ड्रैगन टाइप है, मुझे पता होना चाहिए था यार। तो अबे यार ये मुझे ड्रैको मीटियर यूज करके अब हराने वाला है, ये ड्रैगन टाइप मुझे मुझे पता है। अब मैं गया मैं, ये मुझसे फास्ट है बे, यानी अब मेरी निकालने की बारी है सिल्व। ओके, इसे नहीं, इसे भी नहीं, गाड़ी वर्क मेगा गाड़ी वर्क, माई वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन माई टीम। ओके, मेरे टीम में से सारे सबसे ताकतवर पोकेमॉन यही है मेगा गाड़ी वर्क, और मेरा सबसे फेवरेट भी। सो अब मैं चांस देने वाला हूँ मेटाग्रोस को, तो मेटाग्रोस समझ ले गए आई थिंक यार, हमने काफ़ी
ओके इसका तो फीमेल है। ओके और क्विक से जाना तो चाहिए और चला गया। ओके हम कुछ ज़्यादा ओवर पावर हो गए इंसिनरेटर। ओके यानी मैं निकालने वाला हूँ अब। ओके ग्रीन निंजा को सो आई थिंक हमने ओके तो हाइड्रोको। अबे यार ये सो डांस यूज करता है यही डर लगता है मुझे ये इसका यही हाइड्रोपम प्लीज लग जा। ओके लग गया इंसिनरेटर चला गया। ओके चला गया। ओके आखिरी आखिरी पोकेमोन बैटल अब डस्क फॉर्म वर्सेस सिल्वलाय तो डक्स वर्सेस सिल्वलाय। ओके आखिरी बैटल ये हमारा फाइनल बैटल सो आई थिंक सोर डांस बे इसके पास सोर डांस नहीं था यार इसके पास था एक था स्टोन एज काउंटर और बाइट यानी सॉरी बाइट नहीं क्रंच था मेरे हिसाब से स्टोन एज। अबे अबे मत मारिए। ओके आई थिंक इसने मेरा सिर्फ एक पोकेमोन को फेंट कर दिया है जिसका नाम है मुझे नहीं पता क्या था इसने मुझे एक पोकेमोन को फेंट किया था। हाँ सेलामेंस को फेंट कर दिया था फिर भी उसने काफ़ी अच्छा किया दो पोकेमोन को फेंट करवाया इसने। आई कुडंट विन बट यू नो व्हाट मोर देन दैट आई एम हैप्पी। क्या है बता मुझे। ओके बताइए आई मीन कम ऑन बाय हैविंग अ सीरियस बैटल। ओके यू एंड योर पोकेमोन आई थिंक मैंने सीरियसली नहीं लिया था ये बैटल को। ओके फिर भी इसके लिए तो सीरियस हो गया यू एंड योर पोकेमोन एंड मी एंड माई पोकेमोन। ओके ये तो मैंने सीरियस लिया था मैं सच कह रहा हूँ वी ऑल गोट टू नो इच अदर ब्ला ब्ला ब्ला। ओके तो चलो। ओके तो ये मेरा ठाव मेरा हो गया मेरा जगह हो गया। ओके अब हील करूँगा मैं हील कर सकता। ओके हो गया मेरा जगह। ओके गो अहेड ओकी डोकी तो चलो 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 तो दोस्त हमने ये जर्नी काफ़ी आसानी से काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में। तो हमने इस जर्नी इस गेम की वजह से मेरी इस गेम को चालू किया था मैंने आई थिंक 100 सब्स होने के बाद लेकिन हमारा 153 हो चुका है। सो इसने मेरे 53 सब्सक्राइब गेन करने में मदद की काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सब्सक्राइब गेन करने में मदद की इसलिए ये गेम वन ऑफ द माई बेस्ट गेम हुआ है इस बार। और ये गेम के बाद अब मैं खेलने वाला हूँ मेरा सबसे बेस्ट गेम ये सबसे बेस्ट गेम है काफ़ी लोगों का भी है काफ़ी लोगों का नहीं है वो गेम फिर भी तो अब ये क्या हुआ मैं फिर भी हमने हरा तो दिया लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओके अबे ये क्या हुआ सो छोड़ दो ये ब्लैक स्क्रीन हो गया लेकिन हम तो जीत गए। ओके तो मेरा है फेवरेट गेम पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर तो वो खेलने वाला हूँ बेटा 15 आ चुका है उसका और उसमें है हम काफ़ी लीग खत्म लेकिन ऑरेंज लीग उसमें ऑरेंज लीग फुल हो चुका है मेरे हिसाब से तो वो गेम खेलने वाला हूँ मैं तो आज के लिए भी सुनना है। ओके उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और इसी अच्छी जर्नी में साथ देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अभी ये कोविड 19 कितना आता है आप लोगों का शुक्रिया तो आपसे मिलता हूँ मैं नया गेम में तो तब तक के लिए गुड बाय सारा।